हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और जिम्स तो पहले दिन से ही बंद हैं। करीब करीब अराउंड 45 डेज भी हो चुके हैं, तो बुरा हाल हो रखा है बिल्कुल। और मैं तो पहले दिन से ही वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि फुल वर्कआउट रूटीन को एक टू फेजेस में बांटा है, एक अपर बॉडी का, एक लोअर बॉडी का। और हर ऑल्टरनेट डेज में मैं एब्स का वर्कआउट कर रहा हूँ और एक दिन रह रहा है कार्डियो। सोचा कि खाली बैठे हैं तो शेयर भी करते हैं कुछ, चलिए देखते हैं क्या क्या है। याद रखें कि हर वर्कआउट से पहले, चाहे वो कोई भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कार्डियो हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, 15 से 20 मिनट्स का आप वार्म अप जरूर कर लें। तो यहाँ पहली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं, फ्री स्क्वाट्स। अगर आपके पास घर में डंबल्स हैं या बारबल्स हैं तो आप डंबल या बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, ग्लूट्स को पीछे स्क्वीज करें और फीट्स की डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी शोल्डर विद अपार्ट। या आप नैरो स्क्वाट लगाना चाहते हैं तो एकदम शोल्डर के बराबर हो। यहाँ हम शोल्डर विद अपार्ट लगा रहे हैं। देखिए, मेरी पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। लगाते वक्त आपके नीज अंदर की तरफ नहीं आने चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने चाहिए। अब दूसरी एक्सरसाइज है स्पॉट लंजेस। यहाँ पोस्चर का, देखिए पोस्चर हर वक्त इम्पोर्टेंट है। पोस्चर के बारे में अगर बोलो तो यहाँ देखिए, आपके काव्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल्स है मेरे, और टॉर्सो सीधी है। दूसरी टांग की जो नी है वो नीचे टच नहीं हो रही, उससे पहले उठा लीजिएगा। और नीचे आते वक्त अपने हैमस्ट्रिंग्स को और क्वाड्स को स्क्वीज करना मत भूलिए। ये इसके आप 3 सेट्स लगाइए 15 से 20 रेप्स। अगर आपके पास घर में डंबल्स है या कोई वेट्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांस की तरह से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सुमो स्क्वाट्स। देखिए, हमें मेरे पास वेट्स नहीं है इसलिए मैं ईटों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ जो मेरी डिस्टेंस है वो वाइड है और मेरी नीज मेरे फिंगर लेवल्स के बाहर नहीं जा रही। नीचे आते वक्त अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच करना मत भूलिए और टॉर्सो को हमेशा सीधा रखिए, सामने बेंड मत होइए। और सब और यहाँ भी एंगल 90 डिग्रीज का ही बनेगा। 3 सेट 20 रिपीटेशन। तो यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है स्टेप अप्स। देखिए, ये एक तरह की स्टेबिलाइजेशन एक्सरसाइज से कह सकते हैं स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो हमेशा टॉर्सो को सीधा रखिए, पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ईच लेग के आप 20 से 25 रिपीटेशन या चाहे तो आप वेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीचे ऊपर आके अपने लेग से खड़े मत होइए, बस टच करना है। अब मैं दूसरे लेग से लगा रहा हूँ। दिस इज वन काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्सरसाइज, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपके पास अगर चेयर अवेलेबल हो तो चेयर पे या सीढ़ियों पे भी लगा सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, यह है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। देखिए, इसमें पोस्चर का हमेशा ध्यान, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज में आपको सामने बेंड होना है और लेग्स जो आपकी हैं वो सीधी रहेंगी। देखिए, यहाँ मैं साइड में बेंड होकर आपको दिखा रहा हूँ। अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ लाएं और स्क्वीज करें अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्शन को फील करें। अगर आपके पास डंबल है तो डंबल का इस्तेमाल करें, अगर डंबल नहीं है तो आप लगा सकते हैं स्टैंडिंग लेग कर्ल्स। तो ये हमारी पहली ऐप की एक्सरसाइज।
लाइंग लेग रेसेस लगा रहे हैं हम, इसके भी 3 सेट 15-20 रिपीटेशन के। अपने लेग्स को पूरा सीधा रखें और एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, ऊपर आते वक्त इनहेल करें और नीचे लेग्स को नीचे लाते वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्सहेल करें। हर एक्सरसाइज में ऐसे ही है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सहेल करें और रिलैक्स करने के वक्त इनहेल करें। तो यह है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है रोमानियन ट्विस्ट। आप अपने पैर को घर में किसी भी चीज़ में फंसा सकते हैं, जैसे आपकी बेड हो या किसी को सपोर्ट देने के लिए कह सकते हैं जो आपके लेग के ऊपर खड़ा हो सके। इस लाइक सीटअप्स और सीटअप के पोजीशन के आने के बाद ऊपर आते वक्त आप ये एक्सहेल करें, नीचे जाते वक्त इनहेल करें और बॉडी को ट्विस्ट करें अच्छे से। इसके भी आप 15-20 रेप्स लगा सकते हैं 3 सेट। सो हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक्स। प्लैंक में जो देखिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक्सरसाइज में पोस्चर इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके एंकल्स जो हैं वो सीधा आपके शोल्डर्स के साथ साथ पैरेलल होना चाहिए और आपकी बॉडी पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में चाहिए। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करें, ब्रीदिंग ठीक रखें और सामने की तरफ देखिए। इसकी आप लगा सकते हैं 1-1.5 मिनट। थैंक यू।